नहीं, मुझे विश्वास है कि अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के संज्ञान में अगर ये बातें आएंगी जल्द से जल्द। केंद्र सरकार हमेशा तत्पर रही है बिहार को लेकर, मैं खुद इसका साक्षी हूँ। हर वो समस्या जो केंद्र सरकार के संज्ञान में आई है या उनको बताई गई है, उस पर केंद्र सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत तौर पर वो हमेशा से इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि बिहार में अधिक से अधिक सुविधाएं हों। किस कोई कारण ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से बिहार को वो सुख सुविधाएं ना मिले जिसका हम लोग हकदार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार के संज्ञान में जैसे ही यह विषय आएगा उसके ऊपर केंद्र सरकार तत्परता से कार्रवाई करेगी। पर हाँ, ये विषय एक ज़रूर चिंता का रहा है हमारे प्रदेश के लिए, और अभी से नहीं, लंबे समय से। अगर आप देखें बिहार में लंबे समय से जब भी बरसात का मौसम आता है, आधा प्रदेश हम लोग का बाढ़ में डूबता है और आधा प्रदेश सुखाड़ में डूबता है। जहाँ एक तरफ के किसान इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनकी फसल डूब गई, तो वहीं दूसरी तरफ के किसान इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वहाँ पर पानी ही नहीं पहुँचा। मैंने निरंतर और अपनी पार्टी की तरफ से मैंने निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आग्रह भी किया है, और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट 2020 विधानसभा के चुनाव के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया है कि समस्या का समाधान वंस एंड फॉर ऑल हम लोग को करना होगा। बांध रिपेयर डेफिनेटली यस, आई मीन वो है जिसका सरकार ने केंद्र सरकार को दिया है, पर मुझे लगता है नदियों को जोड़ने की योजना, उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। जब तक नदियों को नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक वो कैनाल्स नहीं बनाए जाएंगे, ऐसे इलाकों से उन इलाकों को नहीं जोड़ा जाएगा जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बनते हैं, और वो इलाके जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं पड़ता और वहाँ पर सुखाड़ रहता है, तो जब तक वहाँ से पानी को कैनाल बना के हम लोग उन इलाकों में नहीं लेकर जाएंगे जहाँ पर सुखाड़ के हालात हैं, तो ये परिस्थिति बनी रहेगी और हम लोग साल दर साल हम लोग देखते हैं। और इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, क्योंकि उनके पास अनुभव है और हमारे मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से वो जानते हैं कि हर साल इस तरीके की परिस्थिति प्रदेश में आती है। उनके पास अनुभव है, मुझे उनके पास तमाम तरीके की जानकारी है कि इसको किस तरीके से इस समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इसमें सबसे कारगरी, सबसे यूज़फुल जो रहेगा वो नदियों को जोड़ने का की योजना रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार इस दिशा में भी जल्द कार्रवाई करेगी।